अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आकिब कुरैशी और आप देख रहे हैं आकिब लीक्स। आज की वीडियो में आप जान सकेंगे ऐसे तरक्की क्रिकेटर के बारे में जो इश्क के हाथों क्लीन बोल्ड हो गए। इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो दोस्तों, नज़र मोहम्मद, पाकिस्तान क्रिकेट का वो नाम जिसने सिर्फ एक सीरीज में वो कारनामा सर अंजाम दिया जिसका हर क्रिकेटर ख्वाब देखता है। नज़र मोहम्मद का शुमार उन स्टाइलिश बैट्समैन में होता जो बॉलर को खातिर में ना लाते हुए अपने नेचुरल अंदाज में खेलते। 5 मार्च 1921 में लाहौर में पैदा होने वाले नज़र मोहम्मद इस्लामिया हाई स्कूल भाटी गेट में तालीम के दौरान लाहौर के मशहूर मेमडॉट क्रिकेट क्लब से वाबस्ता हो गए। नज़र मोहम्मद ने उस दौर में अपने स्कूल की तरफ से खेलते हुए इस्लामिया हाई स्कूल शेरांवाला गेट के खिलाफ 217 रन की इनिंग खेली। इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में दाखिले के बाद उनकी सलाहियतें उभर कर सामने आईं। ये तालीमी इदारा क्रिकेट का घर था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पहले कप्तान अब्दुल हफीज कारदार और विकेट कीपर इम्तियाज़ अहमद भी इस्लामिया कॉलेज के तालिबे इल्म थे। 1945 में नज़र मोहम्मद को कायद आज़म से मिलने का शर्फ हासिल हुआ। कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्रिकेट से बाहर भी नज़र मोहम्मद को अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका मिला। उन्होंने बरसगीर के अहम क्रिकेट मराकज बम्बई, दिल्ली, कराची और पटियाला में अपनी बैटिंग के जौहर दिखाए। मायानास फास्ट बॉलर फजल महमूद ने अपनी आपबीती में जिक्र किया कि 1946 में ऑस्ट्रेलियन सर्विसेज 11 के खिलाफ मैच में मारूफ ऑस्ट्रेलवी फास्ट बॉलर कीथ मिलर के बाउंसर पर शानदार हुक शॉट खेला तो गेंद पवेलियन के क्लॉक से लगा और उसका शीशा रेजा रेजा हो गया। मिलर इस शॉट पर बैट्समैन को दाद दिए बगैर ना रह सके। 1952 में पाकिस्तान टीम को टेस्ट स्टेटस मिला तो नज़र मोहम्मद और हनीफ मोहम्मद जैसे तारीख साज खिलाड़ियों पर मुश्तमिल ओपनिंग जोड़ी बनी। हनीफ मोहम्मद ने 2015 में एक अखबार को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा, नज़र मोहम्मद ने मेरी हिम्मत बढ़ाई। पंजाबी में कहते, घबराना नहीं, मैनू वेखी मैं किस तरह खेलना वा। 1952 में पाकिस्तानी टीम पहली बार टेस्ट क्रिकेट खेलने हिंदुस्तान रवाना हुई। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में पाकिस्तान टीम ने अपना पहला टेस्ट खेला। अपने मुल्क की तरफ से नज़र मोहम्मद ने पहली गेंद खेली, पहला रन बनाया। मैच पाकिस्तान हार गया लेकिन हिम्मत नहीं हारी। दूसरा टेस्ट लखनऊ में था। पाकिस्तान ने ये मैच एक इनिंग से जीतकर टेस्ट में अपनी पहली कामयाबी हासिल की। नज़र मोहम्मद ने पाकिस्तान की तरफ से पहली टेस्ट सेंचुरी बनाने का एजाज हासिल किया। इस पर बस न हुए और बैट कैरी किया, यानी पूरी इनिंग्स आउट ही नहीं हुए। वो 515 मिनट तक क्रीज पर मौजूद रहे। एक और मुनफरिद रिकॉर्ड ये बनाया कि मैच में तमाम वक्त ग्राउंड में मौजूद रहने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। नज़र मोहम्मद के बैट कैरी करने के 30 साल बाद उनके बेटे मुदस्सर नज़र ने हिंदुस्तान के खिलाफ सेंचुरी बनाते हुए 152 रन की इनिंग खेली और वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए बैट कैरी किया। वो 495 मिनट तक क्रीज पर मौजूद रहे। टेस्ट क्रिकेट में किसी और बाप बेटे ने ये एजाज हासिल नहीं किया। Oh, well played. That's a 50 partnership. That ball just a little wide outside off stump. A lovely shot by Mudassar. हिंदुस्तान के खिलाफ सीरीज का पांचवा और आखिरी टेस्ट कलकत्ता में हुआ जिसकी पहली इनिंग्स में नज़र मोहम्मद ने 55 और दूसरी इनिंग्स में 47 रन बनाए। उस वक्त कौन सोच सकता था कि ये उनका आखिरी टेस्ट साबित होगा, लेकिन एक हादसे ने उनका सफ़र खोटा कर दिया। वो सिर्फ 5 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सके जो सारे एक ही सीरीज में हिंदुस्तान के खिलाफ थे। नज़र मोहम्मद के साथ जो हादसा पेश आया उसका ताल्लुक क्रिकेट से नहीं, इश्क का मैदान था। वो कोई यूं ही सी तो ना थी जिसने नज़र मोहम्मद को मिटा डाला था, बल्कि मलका तरन्नुम नूर जहां थी। इस मार का इश्क में दोनों तरफ थी आग बराबर लगी हुई। सुनने में आता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब हिंदुस्तान का दौरा करके वापस आई तो नज़र मोहम्मद की बहुत वाह वाह हो रही थी। फजल महमूद की तरह वो भी कौमी हीरो बन गए थे। नज़र मोहम्मद खुश शक्ल, दिलचस्प बातों और सबसे बढ़कर मौसीकी के शौकीन थे। मैडम नूर जहां की उनसे मुलाकात हो गई और फिर मुलाकातों का बाकायदा सिलसिला शुरू हो गया। दोनों के दरमियान प्यार की तंगे बढ़ती चली गईं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जाहिद मकसूद साहब,
इस लव स्टोरी को बयान करते हैं कि 1953 में लाहौर का शानू स्टूडियो, जो मैडम नूरजहां के शोहर शौकत हुसैन रिजवी की मलकियत था, स्टूडियो के पास मैडम नूरजहां की कोठी थी। एक दिन नजर मोहम्मद मैडम नूरजहां से मिलने उनकी रिहाइश गाह पर मौजूद थे कि मुखबरी की सूरत में नूरजहां के शोहर शौकत रिजवी घर पहुँच गए। नजर मोहम्मद ने डर के मारे पहली मंजिल की खिड़की से छलांग लगा दी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के तारीख साज खिलाड़ी का दायां बाजू टूट गया और नजर मोहम्मद पकड़े गए। ममडोट क्रिकेट क्लब के पैटर्न मियां मोहम्मद हुसैन उस वक्त नजर मोहम्मद के लिए फरिश्ता साबित हुए। मियां मोहम्मद हुसैन नजर मोहम्मद को इलाज के लिए बरतानिया ले गए। उनका बाजू ठीक हुआ तो वापस आकर दोबारा क्रिकेट शुरू कर दी और क्रिकेट खेलते हुए एक बार फिर नजर मोहम्मद का बाजू टूट गया। मियां मोहम्मद हुसैन नजर मोहम्मद को फिर इंग्लैंड ले गए, लेकिन बाजू इस काबिल ना हो सका कि वो क्रिकेट जारी रख सकें। इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक मायनास खिलाड़ी से महरूम हो गई। अलबत्ता नजर मोहम्मद ने अपने बेटे मुदस्सिर नजर की सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक नामवर खिलाड़ी का तोहफा जरूर पेश कर दिया। नजर मोहम्मद 75 वर्ष की उम्र में जुलाई 12, 1996 को खालके हकीकी से जा मिले। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।